आज इस साजिश की शुरुआत एक ऐसे पर्दाफाश के साथ जो यूक्रेन युद्ध के 466 दिन बाद हुआ है। बखमूत की जंग रूस भले ही जीत चुका हो, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां करीब 9 महीने चले युद्ध में रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दावे के मुताबिक बखमूत में हर कदम पर रूस को अपने 2 सैनिकों की जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। व्लादिमीर पुतिन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने चौतरफा हमले में एक साथ यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के किन किन हथियारों को मार गिराया है, उससे पहले आप यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश जान लीजिए। बखमूत की जंग पर बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक रूस को यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जे की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दावे के मुताबिक बखमूत में हर 48 सेंटीमीटर पर कब्जे के एवज में रूस को एक सैनिक की जान गंवानी पड़ी। ये रिपोर्ट कहां से आई, तफसील से आपको दिखाएंगे। अभी जंग की जमीन से आई सबसे नई तस्वीर देखिए, जहां रूस ने यूक्रेन के पास गिनती के बचे लड़ाकू विमानों में से एक Su-27 को मार गिराया है। एक MiG-8 हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया है, तो तमाम UAV यानी ड्रोन को भी जमींदोज करने का दावा किया है। पुतिन की सेना ने अमेरिका से मिले यूक्रेन के कई हिमार्स और ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया है, जबकि यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर दिया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना डोनेस्क और लुहांस्क में दुश्मन सेना का डट कर मुकाबला कर रही है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने 24 घंटे में रूस के कई मिलिट्री साजो सामान को बर्बाद कर दिया है। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की एक कमांड पोस्ट पर हमला किया। इसमें पुतिन के एक एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार गोदाम को दबा कर दिया गया। इतना ही नहीं, हमले के लिए तैयार कई ड्रोन को भी नाकाम कर दिया गया। रूस के बेलग्रद के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक बार फिर उनके इलाके पर अटैक किया, रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने बेलग्रद इलाके में करीब 100 हमलों को अंजाम दिया है। वार पलटवार के इन दावों के बीच कीव में रूस का कोहराम जारी है। दहशत का आलम यह है कि कीव के लोग एयर रेड सायरन की कानपूरी आवाज से पूरी रात जाग कर काट रहे हैं। कीव पर रूस के अंधाधुंध हमले जारी है। जानकारों के मुताबिक कीव का अंजाम भी वही हो सकता है जो पूर्वी यूक्रेन के बखमूत का हुआ है। ड्रोन कैमरे में कैद बखमूत का ये मंजर युद्ध की त्रासदी का सबसे डरावना सबूत है। ये शहर कभी गुलजार था, लेकिन आज खंडहर बन चुका है। कभी लोगों से भरे रहने वाले घर अब मुर्दा घर बन चुके हैं। रूस बखमूत पर कब्जे का ऐलान कर चुका है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी पेरोत्सेव यहां से यूक्रेन के एक एक सैनिक को खदेड़ने की मुनादी कर चुके हैं। В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных. Трупов украинских военных огромное количество. Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит. Либо он, как и многие наши, военные руководители просто не в курсе, что происходит на земле. बखमूत को फतह करने में रूस को 9 महीने का लंबा वक्त लगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान हुआ। अब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत में रूस के नुकसान पर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक बखमूत में हर 19 इंच यानी 48 सेंटीमीटर जमीन पर कब्जे के लिए रूस के एक सैनिक को जान देनी पड़ी। यूरोप के देशों के मुताबिक बखमूत में रूस के 20,000 सैनिकों की मौत हुई। इनमें से आधे वैगनर ग्रुप के लड़ाके थे। बखमूत की जंग में रूस के 60,000 सैनिक घायल हुए, जबकि अमेरिका के मुताबिक यह आंकड़ा 1,00,000 का हो सकता है। बखमूत का क्षेत्रफल करीब 42 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी करीब 73,000 हुआ करती थी।
लेकिन अब इस बर्बाद इलाके पर रूस का कब्जा कायम हो चुका है। लेकिन यहाँ की इंच इंच जमीन पर कब्जे के लिए रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन के मददगार देशों ने रूस के नुकसान पर रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन ज़ेलेंस्की को क्या और कितना नुकसान हुआ इसे लेकर चुप्पी साधी। युद्ध की नीति कह लीजिए या फिर साइकोलॉजिकल वॉर। Може, у них бар'єри, дитячі заклади і діти. Ні, цього бар'єру у них теж немає. Вони вбивають спокійно дітей, та не задумуючись. Дивіться, наша позиція дуже проста. Ми не воюємо на території інших держав. У нас немає ніяких претензій територіальних і амбіцій щодо інших держав. У нас є міжнародно визнані кордони нашої держави, частина з наших територій тимчасово окупована. Наша задача їх повернути, і от на цій території ми застосовуємо безумовно зброю, щоб їх по Юкрейн ки саркар то Бахмут ме аб бі мовджуд хоне ке даве кар рахі хе. Юкрейн чахе джо бі дава каре, Бахмут ки замінні хакікат рус ке бакш ме хе. Вагнер груп яхан се рус лот чука хе. Бахмут пар кабзе ке бад Вагнер чиф не іс ілаке ко рус ки сена ке хавале кар дія та. Мы выводим подразделение из Бахмута. Сегодня, сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным, боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Бахмут и лараи мне кай утар чалау технику мили. रूस पर कई बार यूक्रेन हावी होता देखा। वैगनर ग्रुप का मुखिया क्रेमलिन के खिलाफ बागी होता देखा। लेकिन आखिर में येवगेनी पेरोग्जिन ने पुतिन के सामने सरेंडर किया और यूक्रेन की सेना को यहां से खदेड़ कर ही दम लिया। बखमूत की बर्बादी रूह कपा देने वाली है, कलेजे को चीर देने वाली है। बावजूद इसके न पुतिन का दिल पसीज रहा है और न ज़ेलेंस्की ही झुकने को तैयार है। यूक्रेन के पीछे नाटो के देश खड़े हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों के हथियारों के बूते ही ज़ेलेंस्की घुटने टेकने को राजी नहीं है। यूक्रेन की सेना पलटवार भी कर रही है। सरहदी इलाकों में रूस के अंदर घुसकर हमले हो रहे हैं। क्राइमिया तो छोड़िए, क्रेमलिन भी यूक्रेन के निशाने पर है। अब तक दो बार मॉस्को में ड्रोन हमले हो चुके हैं। रूस के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में पुतिन की हत्या के लिए क्रेमलिन पर नाकाम ड्रोन हमले की हिमाकत हुई, तो आखिरी हफ्ते में रूस की राजधानी में झुंड बनाकर ड्रोन से हमला हुआ। ऐसे में अब पुतिन का क्रोध सातवें आसमान पर है। उनके निशाने पर अब यूक्रेन के साथ उसके मददगार देश भी हैं। दिमित्री मेदवेदेव जैसे रूस के नेता अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने रूस पर जासूसी का बड़ा आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक वाल्दिमीर नाम का रूसी जासूस स्वीडन में देखा गया है। ये कोई साधारण जासूस नहीं है, बल्कि वेलुगा वेल है। रिपोर्ट के मुताबिक वेलुगा वेल को रूस ने जासूसी की ट्रेनिंग दी है। ये वेल इतना खतरनाक बताया जाता है कि समंदर में जहाजों पर हमला कर सकता है, दुश्मन देश के नौसैनिकों की जान ले सकता है। पश्चिम के देशों का दावा है कि रूस समुद्री जीवों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई नया नहीं, बल्कि रूस का बरसों पुराना जंगी हथकंडा है। पश्चिम के देशों के मुताबिक रूस बरसों से वेल, डॉल्फिन और सील को जासूसी की ट्रेनिंग दे रहा है। दावे के मुताबिक स्वीडन में नजर आया बेलुगा वेल सबसे पहले 2019 में नॉर्वे में देखा था। तब इस वेल के ऊपर एक कवच भी था जिस पर इंग्लिश में लिखा था इक्विपमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, यानी सेंट पीटर्सबर्ग का औजार। हालांकि इस दावे पर रूस तब भी चुप था और अब भी खामोश है। वैसे समुद्री जीवों से जासूसी के आरोप अमेरिका पर भी लगते रहे हैं। 1950 के दशक में ही अमेरिका ने डॉल्फिन पर स्टडी की थी, लेकिन तब कहा गया था कि पेंटागन डॉल्फिन की तरह देखने वाली पनडुब्बी बनाना चाहता है। लेकिन दावा किया जाता है कि अमेरिका की असली मंशा समुद्री जीवों से जासूसी कराना ही था। फिलहाल कहा जा रहा है कि 4 साल पहले नॉर्वे में देखा बेलुगा वेल ही स्वीडन पहुंचा है। नॉर्वे नाटो का सदस्य है, स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन सकता है। ऐसे में इस दावे में दम है कि रूस ने स्वीडन की जासूसी के लिए इस बेलुगा का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने की चाहत रखता है, जो उस पर रूस के हमले की वजह है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर हमले का दायरा नाटो की दहलीज तक ले जाने वाले हैं।